आधे तो मरे, मैं आ रेगी में बैनर पट गया था कि यहाँ रेगी सिखाई जाती है, बाहर पोस्टर लग रहा था। उसके बाद मैं यहाँ मैं ये टैक्सन लग रहा था एक साल पहले, हाँ तो वो तो मैं घर पर प्रैक्टिस कर नहीं पाया था, तो फिर का साल बर्बाद आया तो EFT की थी। EFT करने के बाद जो मेरा दर्द था गर्दन में, उसमें 3-4 हफ्ता ही होया होगा मुश्किल से, तो मज़ा कम तक 80% आराम लग गया EFT करने से। उसके बाद ये रेगी का फर्स्ट सेमी डिलीवरी था। इसके पैसे तो मैं दे दिए थे 2 महीने पहले, नहीं आ पाया था, छुट्टी नहीं मिली थी। हाँ तब आया, अब 2 दिन तक मैं पूरा रिलैक्स महसूस कर गया, और सारा जो समझाया गुरु जी का समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है, एक एक शब्द समझ में आया। ऊर्जा का कपड़ा सी एनर्जी होती है, उसे हम लेना और देने की क्रिया टेक्निक समझ में आई, हम उसे कैसे अपनी बॉडी में अब्जॉर्व करें और कैसे दूसरे को यूज करें। थोड़ा हल्का अपन एक वाइट कलर की जो रोशनी है वजन मेरी बॉडी में फूल पूरी जा रही जी, यह महसूस। तो यहाँ यही है कि आगे आने का मेरा संबंध जुड़ गया, कि जो वहाँ फील नहीं होता यहाँ हो गया, मुझे जिसकी वजह बेचैनी थी कि कुछ नहीं है होता नहीं, वो इन्होंने यहाँ फील करवा दिया। शक्तिपात में हाँ ऊर्जा है, एक तो ये शक्तिपात ज़्यादा अच्छे ढंग से देते हैं, साथ मेरे हिसाब से हर आदमी को महसूस हो जा, कि जो मेरे जैसे को महसूस हो गया तो सभी महसूस हो जाएगा। फिर इनका समझाने का तरीका एक बड़े नॉर्मल तरीके से जेन्युइन बात बताते हैं, इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। भाई यही अटक रहा था कि मज़े महसूस नहीं होता, मैं दूसरे को नहीं कह सकता, मुझे महसूस होया शायद इवन एक आदमी ने बाद में छोटे बार तो ज़िंदगी में है, अच्छा लग रहा मुझे, शरीर हल्का हो रहा, मन रिलैक्स है, युवा का जो प्रैक्टिस करेंगे बता देंगे क्या होगा। ठीक है।